निरीक्षण को आज पेश करेगी अपने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ बनाएंगे राज्य की प्रगति। आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेश करेंगे सीएम योगी यूपी के विकास का रिपोर्ट कार्ड। लखनऊ के लोकभवन में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 100 दिन का प्रगति रिपोर्ट बताया कि सरकार की रफ्तार, योगी सरकार के संकल्प को मात्र 2 सालों में पूरा करने का लक्ष्य। सीएम योगी ने अपने मंत्रियों और विभागों के लिए तैयार की थी 100 दिन की कार्य योजना। मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां बताते हुए अगले 6 महीने के लक्ष्यों की भी देंगे जानकारी। दूसरे कार्यकाल के 100 दिन का रखेंगे लेखा जोखा। सीएम योगी ने 100 दिनों में लिए कई बड़े फैसले। आजा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। अवध शिल्प ग्राम में आयोजित होगा कार्यक्रम। 4 से 7 जुलाई तक चलेगा आम महोत्सव। ज्ञानवापी विवाद मामले में आज से जिला कोर्ट में फिर शुरू होगी सुनवाई। दोनों पक्ष रखेंगे अपनी अपनी दलीलें। मुस्लिम पक्ष अब तक 33 बिंदुओं पर दे चुका है अपनी दलीलें। रायबरेली में ढह गया नहर पर बना जर्जर पुल। हादसे में घायल बाइक सवार बाल बाल बची साइकिल पर सवार युवक की जान। ग्रामीणों ने जैसे तैसे निकाला बाहर। गोंडा में मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल। मंचले की हरकत से परेशान महिला ने की पिटाई। लोग कर रहे हैं महिला की हिम्मत की सराहना। धानीपुर थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है वीडियो। सहारनपुर में छेड़छाड़ की तहरीर देना परिवार को पड़ा महंगा। युवक के परिवार वालों ने लड़की पक्ष को किया लहूलुहान। लाठी डंडे धारदार हथियारों से किया हमला। बच्चे समेत दोनों तरफ से 5 लोग हुए घायल। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। आरोपी गोकर्ष दिलशाद ने की पुलिस टीम पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी दिलशाद घायल। इंस्पेक्टर घाटमपुर एके सिंह भी हुए घायल। औरई में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। गैंगरेप के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश की हालत गंभीर से एफआई रेफर किया गया। रायबरेली में शिक्षक के घर समेत 2 मकानों में चोरी। दोनों घरों में करीब 15 लाख की जेवरात व 1,50,000 रुपए चोरी। चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश। पुलिस रात्रि गश्त न होने से लोगों में आक्रोश। उन्नाव में सीजीओ ने प्रभारी डीआईओस का रोका वेतन। डीआईओस की लापरवाही पर रोका वेतन। 3 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। बाबू के खिलाफ एफआईआर के निर्देश। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन गृहमंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव किया पेश। आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहा। बोले भाग्यनगर में पटेल ने एक भारत दिया था। हैदराबाद में बीजेपी की विजय संकल्प सभा में बोले पीएम मोदी। कहा कि तेलंगाना की जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार। केंद्र की योजनाओं से तेलंगाना में हो रहा है विकास। तेलंगाना सरकार पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना। का भ्रष्ट सरकार का जाने का आ गया है समय। पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना का विकास बीजेपी की प्राथमिकता। लगातार तेलंगाना में बीजेपी पर बढ़ रहा है लोगों का विश्वास। विजय संकल्प सभा में केसीआर सरकार पर अमित शाह का बड़ा हमला। कहा केसीआर ने तेलंगाना को किया बर्बाद। बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं केसीआर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केसीआर सरकार पर कसा तंजू। कहा कि तेलंगाना में केसीआर का जाना था। केसीआर के भ्रष्टाचार से लोग परेशान। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का किया गया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। हैदराबाद में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी किया गया भव्य स्वागत। दिग्गजों का लगा जमघट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भी शॉल पहना कर किया गया स्वागत। समर्थकों में दिखा जोश। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जल्द हो सकता है यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान। ब्राह्मण या पिछड़े चेहरे पर दांव खेल सकती है पार्टी। चित्रकूट में अवनीश अवस्थी ने किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। एसीएस ने यूपीडा के अधिकारियों को दिए टोल प्लाजा का कार्य जल्द कराने के निर्देश। शामली में अवैध कब्जा हटाने के दौरान ग्रामीण और राजस्व टीम में झड़प। झड़प के दौरान बुजुर्ग की हुई अचानक मौत। पीड़ित ने टीम पर लगाए मौत के आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग। उन्नाव में ज्वेलर्स की दुकान में लुटेरों ने दिया 10 लाख की लूट को अंजाम। एसपी ने दिए 24 घंटे में लुटेरों की धरपकड़ के आदेश। मुजफ्फरनगर में नाबालिग के साथ शोषण का मामला आया सामने। आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ किया शोषण। पीड़िता ने लगाई पुलिस से न्याय की गुहार।
कौशाम्बी में कब्र में दफन शव पर भिड़ा हिंदू मुस्लिम परिवार, शव को अपना बेटा बता रहा हिंदू परिवार, प्रशासन डीएनए के आधार पर करेगा जांच। बुलंदशहर में मैक्स वाहन और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत जबकि 8 महिला मजदूर घायल, काम करके घर लौट रही थी महिला मजदूर। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी लुटेरे घायल। अखिलेश यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को किया भंग, अखिलेश ने पार्टी पदाधिकारियों से की मुलाकात, कार्यकर्ता बोले संगठन को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम। प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर सभी इकाइयां भंग, जिला कार्यकारिणी को भी किया गया भंग, समाजवादी पार्टी यूपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बने रहेंगे। उपचुनावों में मिली करारी हार के बाद एसपी संगठन में बड़ा बदलाव, अखिलेश यादव ने भंग की पार्टी की सभी इकाइयां, बीजेपी ने साधा निशाना। कार्यकारिणी की भंग करने पर बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, अखिलेश यादव की जवाबदेही क्यों तय नहीं, अखिलेश के नेतृत्व में 4 पड़े चुनाव हारी एसपी। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया आंदोलन का ऐलान, 31 जुलाई को करेंगे भारत बंद, अग्निपथ योजना और एमएसपी पर कानून को लेकर खोलेंगे मोर्चा। कानपुर हिंसा में फंडिंग को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आरोपी मुख्तार बाबा का आउटलेट सील, जांच में नमूने के बाद लिया गया एक्शन। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस को लेकर खुर्जा में एनआईए की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस गैंग को खुर्जा से सप्लाई हुए थे हथियार, पूछताछ में लॉरेंस ने लिया है कुर्बान अंसारी का नाम। मथुरा में महामंडलेश्वर धर्मेंद्र गिरी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, धमकी मिलने के बाद सुरक्षा की मांग की, धर्मेंद्र गिरी ने की थी देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। प्रतापगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, शराब माफिया भीम सेन की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, के ठावर बाजार में 1.5 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। मथुरा में शातिर ठग जुबेर उर्फ कोकिला की 18 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क सोशल साइट के जरिए करता था ठगी, पुलिस ने लगाया गैंगस्टर एक्ट। मेरठ पे 56 भोग मिसान भंडार पर नगर पालिका का एक्शन, गोदाम पर चला बुलडोजर, गोदाम के गंदे पानी से परेशान थे लोग। मऊ में अवैध निर्माण पर एक्शन जारी, गिराया गया अवैध निर्माण, नहर की जमीन पर किया गया कब्जा, नगर पालिका ने हटाया अवैध कब्जा। अयोध्या में शिक्षिका सुप्रिया वर्मा हत्याकांड का खुलासा, नाबालिग ने दिया था वारदात को अंजाम, प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी सुप्रिया की हत्या। अयोध्या में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 12 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त हथियार भी के बरामद, कुमारगंज थाना के भुआपुर गांव का मामला। सिमी के 5 आतंकियों को मदद करने वाले महिला समेत 5 आरोपियों को सजा, लखनऊ की एनआईए की विशेष कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा, साल 2014 का मामला। मथुरा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला, नाबालिग को बहला फुसलाकर 3 महीने तक घर में रखा गया, धर्म परिवर्तन कराने का बना जा रहा था दबाव। मुरादाबाद में कैदी ने पुलिस जीप से की भागने की कोशिश, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किया गिरफ्तार, चटलेट थाने से पेशी पर कचहरी लाया गया था कैदी। गाजियाबाद में कौशाम्बी पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में वाहनों की करते थे चोरी, वाहनों को कटवाने के लिए रखा था गोदाम। कासगंज पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, गैंग का सरगना बुरा फरार, पकड़े गए शातिर चोरों की निशानदेही पर 10 ई रिक्शा बरामद। बदायूं में प्रसव के दौरान महिला की मौत से परिजनों में कोहराम, ऑपरेशन के नाम पर 20,000 रूपये देने के बाद भी लापरवाही, जिला महिला अस्पताल का मामला। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बिसौली की काशीराम कॉलोनी का मामला। अल्मोड़ा के मटेला गांव में देवी की मूर्ति खंडित करने का मामला, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया हंगामा, आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की मांग, पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत, अवाला बाग ब्लॉक के मोटला गांव का मामला। बदायूं में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, जरीफा नगर थाना क्षेत्र के कादरबाद भुट्टे के पास में हुआ हादसा। आगरा में डबल मर्डर की वारदात से हड़कंप, गल्ला व्यापारी और उनके पति की हत्या से हड़कंप, घर में लहूलुहान हालत में मिले बुजुर्ग दंपत्ति, पिनाहट थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में डबल मर्डर के बाद फूटा व्यापारियों का गुस्सा, विरोध में बाजार को किया बंद, हथियारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग।
उन्ना में सराफा कारोबारी से 10 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर से चकलवंशी सोने के आभूषण देने जा रहा था व्यापारी, बिठूर मार्ग पर हुई लूट। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 5 साल की बच्ची की मौत। लिंचोली में कंडी से 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बच्चा, मौके से फरार हुआ कंडी संचालक, नेपाली पुलिस खोजबीन में जुटी। औरैया में महिला की सड़क पर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने 5 महिलाओं को हिरासत में लिया। देवियापुर थाना क्षेत्र के जमोली गांव का मामला। फिरोजाबाद में पैसे के लेनदेन में हुई मारपीट, दबंग युवकों ने सरेरा युवक को जमकर पिटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बलरामपुर में बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घूम नेहवा गांव में चुनावी रंजिश में हुई हत्या। हरदोई जेल में बंद कैदी ने बाथरूम में गला काटकर की आत्महत्या, आत्महत्या से जेल में मचा हड़कंप। 2020 से दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद था कैदी। ग्रेटर नोएडा में पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर की हत्या, पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मथुरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल, आक्रोशित परिजनों ने दिल्ली आगरा हाईवे को किया जाम। जौनपुर में अटाला मस्जिद के बाहर चला अवैध कब्जे पर बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स रहा मौजूद, सिटी कोतवाली क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में सीआरपीएफ पर पुलिस जवान के घर चोरी, कमरे की दीवार काटकर लाखों के आभूषण ले उठे चोर, कुंदरकी थाना इलाके के नगला गांव का मामला। नैनीताल में बारिश के पानी में फिसलने से बाइक सवार की मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, मल्लीताल के मन्नू महारानी होटल चौराहे की घटना। चमोली के कर्णप्याग में कार पर गिरी चट्टान, 2 लोगों की मौत, ग्वालदन की ओर जा रही थी कार, कर्णप्याग ग्वालदन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। सीतापुर में तेज बारिश के साथ गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की झुलसने से मौत, कई लोग झुलसे, रेउसा थाना इलाके का मामला। जालौन में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत, मवेशियों की भी गई जान, बकरियां चराने के दौरान हुआ हादसा, कैलिया थाना इलाके की घटना। अमरोहा के मलेशिया गांव में तेंदुए की दहशत, तेंदुए ने गोवंश को बनाने वाला, ग्रामीण रात भर कर रहे हैं पहरेदारी, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी तेंदुए की सूचना। वाराणसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रमुख सचिव दुर्गा मिश्रा और डीजीपी का दौरा, कार्यक्रम स्थल और सभास्थल का किया निरीक्षण, सावन और पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। संभल में अस्पताल में आग लगाने वाले आरोपी पर कार्रवाई, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात, आरोपी ने जिला अस्पताल में लगाई थी आग, कुछ दिन पहले वारदात को दिया था अंजाम। यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, कार सवार 2 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थिति में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, धूधूकर जिला ट्रांसफार्मर, हदगांव थाना क्षेत्र के रजीपुर गांव का मामला। आगरा में अचानक धंसी कार, लापरवाही से स्थानीय लोगों में जबरदस्त नाराजगी, कई घंटे बीतने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचे जिम्मेदार अधिकारी। अमेरिकन स्कूटर से गश्त करेगी नैनीताल पुलिस, डीजीपी ने दिए 2 अमेरिकन स्कूटर, एक वे नैनीताल माल रोड पर होगी पेट्रोलिंग। खराब मौसम के बाद भी केदारनाथ में उमड़ रही है भक्तों की भारी भीड़, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी, अब तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा के दर्शन। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत के खिलाफ कसा शिकंजा, वित्तीय अनियमितता होगी जांच, 3 सदस्य समिति का गठन। नुपुर शर्मा मामले में सियासत तेज, हरीश रावत का बड़ा बयान, बोले सुप्रीम कोर्ट के बयान का होना चाहिए सम्मान, विवादित बयानों की सुनवाई के लिए अलग बेंच बनाने की मांग। बागेश्वर के गरुड़ तहसील में बनेगा मेडिकल कॉलेज, परिगांव में प्रस्तावित जमीन का जेएम ने किया निरीक्षण, सीएमओ को भूमि का प्रस्ताव बनाने का दिए निर्देश, निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। रामनगर वन प्रभाग को सीता बनी पर्यटन जोन से 1,48,00,000 का राजस्व प्राप्त, 15 अक्टूबर से 30 जून तक खुले थे पर्यटन स्थल।
हल्द्वानी पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार ने लोगों के साथ किया जनसंवाद, अधिकारियों को दिए नशा, साइबर ठगी पर अंकुश लगाने के निर्देश। पौड़ी में अज्ञात बीमारी से मचा हड़कंप, अब तक 35 से अधिक सूरों की मौत, स्थानीय लोगों ने की अधिकारियों से शिकायत। हरिद्वार में गंगा में डूब रहे युवक को जल पुलिस ने बचाया, हरियाणा के रहने वाला है युवक, विश्वकर्मा घाट पर तेज बहाव की वजह से हादसा, जल पुलिस सीपीओ जवानों की बहादुरी की हर तरफ तारीफ। पौड़ी के कालागढ़ में बाघ और गुलदार के दिखने से लोगों में दहशत का माहौल, रविदास मंदिर के पास में दिखा बाघ, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। गोरखपुर में एम्बुलेंस संचालन में बड़ा घोटाला, चक्का हिले बिना नोट हो रहा है चक्कर, 5 फेरों को कागजों में 50 कर दिया जा रहा है, कंपनी और ड्राइवर मिलकर कर रहे हैं। महाराजगंज में एम्बुलेंस में फर्जीवाड़ा आया सामने, कागजों में फर्जी मरीजों के नाम दर्ज कर एम्बुलेंस लगा रही है चक्कर, जिला प्रशासन ने शुरू की जांच, जांच के बाद होगी कार्रवाई। सिद्धार्थनगर में सरकारी एम्बुलेंस के नाम पर खेल, कागजों में दर्ज किया जा